नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु कुंवर है और आप देखना शुरू कर चुके हैं पगडंडी। अभी मैं मौजूद हूँ हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में और क्या है पूरा मामला मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर उपस्थित है मेरे साथ उगलकांडा के गौनियार लोग, जो कि चंदन, इससे पूर्व अभी कुछ दिन ही बीते हैं एक लाश मिली हुई थी, जिसके पश्चात गाँव वालों का आक्रोश है, उनके परिवारजन मेरे पास मौजूद हैं। मैं पूरा मामला इनसे जानूंगा, क्या कुछ कारण है, क्या कुछ कहना चाहते हैं। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम पान सिंह है, मैं उसका चचा हूँ चंदन का, जो जिसकी हत्या कर दी गई जी। चंदन अपनी घरवाली को लेने जब 1 तारीख को गया तो घरवाली ने कुछ गुरकों को शिका के, जो कि 13 किलोमीटर पीछे ही डूंगरी नाम के गांव में, उसकी हत्या करवा दी अपने गुरकों के भेज कर उनको मिलकर। क्योंकि 29 तारीख को अचानक ही उसके भाई ने ये प्रोग्राम बनाया, गोनेरों में आया था वो, कि अपनी बहन को अचानक ले गया। एक प्रोग्राम भी तो होता है भाई साहब कि फलाने दिन जाएंगे, उसने अचानक ही उस चंद आधे घंटे में प्लान बनाया वहाँ को जाने को। फिर 1 तारीख को बुला दिया चंदन को, 31 को फोन करके, तो क्या कहते हैं आधे रास्ते में हत्या करवा दी। फिर उसके बाद हमें 4 तारीख को पता लगा, जैसे कि वहाँ पर नेटवर्क नहीं है, हम तो फोन लगाते भी रहे लेकिन लगे कहाँ। हम सोच रहे हैं आराम से 2-4 दिन रामलीला देख रहा है बंदा, ठाट से ससुराल में पड़ा है। लेकिन 4 तारीख को हमारे जमाई ने खबर दे के हमें बताया कि मेरी भतीजी भी वहीं भी आई हुई है उसी गांव में, उसने कहा भी उसको, वो टालती रही। जब 3 तारीख को बताया मेरी भतीजी ने, भाभी भाई, उसने कहा नहीं आया है। फिर जमाई ने बताया दूसरे दिन, वो बोले नहीं आया है। फिर 5 तारीख को हम गए वहाँ, तो मेरे पास अभी भी मोबाइल में रिकॉर्डिंग है उनकी, शक करने के पूरी आशंका उन पर जाती है, वो अंश मेरे पास अभी भी मौजूद हैं। तो जब 6 तारीख को पता लगा चंदन मर गया, तो 5 तारीख को ही उसकी सास ने कैसे बता दिया कि वो जिंदा होता तो अभी बताती मैं, चंदन अभी जिंदा होता तो, तब से हमें शक, पूरा शक हो गया उन पर। तो उसकी घरवाली भी बार बार ऐसा ही कह रहे हैं कि मेरे भतीजों को फ़ोन किया है उसने, वो भी रिकॉर्ड है मेरे पास, कि मेरे को गाली दे रहा था फ़ोन में, मेरे को कह रहे पूछने पे कि नहीं दे रहा है, अलट पलट हो रही है ना बयानों की, ऐसी तो शक बढ़ेगा। फिर दूसरी बात यह है कि वो ढूंढ खोज में नहीं लगे वो लोग। मैंने कहा यार वहाँ गया मैंने कहा तुम लोग भी तो 10 आदमी यहाँ से कर सकते थे, अगर तुम्हारा तो दामाद है वो और तेरा भी क्या कहते पति है, तो बार बार कभी कुछ बोल रही है, कभी कुछ बोल रही है, कभी किसी पे शक बोल रही है, कभी नहीं बोल रही है, सलक को क्लो कर रही है, बिल्कुल टारगेट कर रही है, सलक 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 होगा उसका अफेयर किसी लड़के से जमाने में। शासन प्रशासन के पास गए थे क्या? प्रशासन प्रशासन भी ढीला पड़ गया सर, उसे नहीं कर रहा प्रशासन, प्रशासन भी 1-1.5 महीना हो गया, अब 1.5 महीना पूरा हो गया, वो तो 2 महीने होने को जा रहा है, अभी तक कोई खोज भी नहीं कर पाई पुलिस। इससे पड़ेगा असर? क्यों नहीं पड़ेगा, हम तो न्याय के लिए लड़े हैं, न्याय की भी और आगे को ऐसी वारदात न हो, हमें खौफ हो गया आगे को ऐसी वारदातें रुकें। प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि आगे को ऐसी खौफनाक चीज़ों को रोकें, हम यही चाह रहे हैं कि आगे को ये खौफ आदमी के दिल से हटा दे, प्रशासन हटा दे इस खौफ को, आदमी में खौफ हो गया, डर हो गई, ऐसी निर्मम हत्या कर दी मेरे लड़के की, जघन्य हत्या कर दी। पूरे 6 दिन हो गए, 6 दिन में लाश मिली। कि हम कोशिश करते हैं, यही कर सकते हैं। बाकी जो पहाड़ देवभूमि के नाम से जी, उसका जीजा भी 29 तारीख को वो पहुंची खुद, बहू यशुंती हमारी, तो 30 तारीख को प्रोग्राम बना के उसका जीजा पहुंच गया ससुराल में अपने। तो अभी आपकी FIR पूरी लिख ली गई है? FIR हमने नामजद कराई थी, SO साहब ने साफ इनकार करा कि ये इतिहास क्यों लिख रहे हो आप, फिर उन्होंने बताया मैंने लिखा, मुझे तो इतनी जानकारी थी नहीं कि क्या होता है नामजद, हमने तो सीधे दिया था नामजद, पहली बात तो ये। यहाँ पर जब आप इकट्ठा थे तो प्रशासन का अभी क्या कहना है? प्रशासन अभी भी, हम तो सोच रहे थे SSP साहब से बात कर लेंगे। परमिशन लिया आपने? आपका नाम? चंदन सिंह गोनिया। परमिशन लिए क्या क्या? मतलब ये है कि अब ये निकालेंगे और जुलूस के रूप में जाएंगे और वहाँ उनसे बात करेंगे क्या है कैसा है।
ठीक है, मुझे लगता है कि प्रशासन आपकी बात जरूर सुनेगी और आप जो कर रहे हैं जब हाँ बताइए। मैं उसका भाई हूँ सर, 60 दिन से 6 तारीख से हमने वहाँ जबकि रिपोर्ट लिखाई दी है 6, तब से आज तक कोई हमारी नहीं हुई है। तभी मैं पूरे आज 200 किलोमीटर पहाड़ से इस बरसात के मौसम में पूरे अपने भाइयों को लेके अपने भाई के लिए न्याय के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि न्याय मिल जाएगा करके, फिर भी कोई कहा सुनी नहीं हो रही है पूरा। फिलहाल मुद्दा क्या है, पहाड़ जो देवों की भूमि था, दुख ज़रूर हो सकता है लेकिन पहाड़ों पर जब ऐसी जो वारदातें होती हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए कलंक है। फिलहाल हम बुद्ध पार्क में मौजूद हैं जहाँ पर हमने पूरे मुद्दे की जो जानकारी है उनके परिजनों से ली और ये एक पक्ष है, दूसरा पक्ष क्या कहता है उसको जरूर सुनेंगे, प्रशासन से बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें पगडंडी। शुक्रिया। अच्छा होम सॉल्यूशन बनाता है आपके सपनों का घर। ए क्लास सुपर स्ट्रक्चर, ए क्लास इंटीरियर वर्क्स, वी डिजाइन योर स्ट्रक्चर विद एक्सपीरियंस्ड एंड स्किल्ड डिजाइनर्स। आपके अपने शहर तक हम प्रोवाइड कराते हैं अपनी सर्विसेज, बेस्ट क्वालिटी मटेरियल्स विद बेस्ट डिजाइंस। वी क्रिएट, वी बिल्ड, वी डिजाइन, क्योंकि आपके सपनों का घर बनता है सिर्फ एक बार।